दोस्तों आज का वीडियो आखिरी होगा 2021 का। जी हाँ, 2021 का, चैनल का नहीं, 2021 का आखिरी होगा, क्योंकि एक दिन बाद ख़त्म हो रही है 2021। तो सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले, तो क्यों अब 2021 और 20 जैसा तो साल कभी ना आए लाइफ में तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना इतनी बर्बादी हुई, लोग इतनी जॉबलेस रहे, लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है लोगों को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो यह है दोस्तों, क्योंकि अब नए साल सेलिब्रेट करो, आप भी करो, आपके परिवार के साथ करिए, आराम से करिए, सभी इंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ में जीना है, कब तक टेंशनों से चलते रहोगी। दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, आज अपन पति पत्नी के मैट्रिक्स को हमने सॉर्ट आउट कर दी, जितने थे उनको अपन ने पूरा मिलकर सॉर्ट आउट किया। आपके जितने भी कमेंट आए, सबकी कोशिश किया कि हर टॉपिक का वीडियो बनाए, छोटे से छोटे 1400-1500 वीडियो हो गए टोटल, सोचिए चैनल पे आप, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया हमने फैमिली से रिलेटेड। शायद मुझे स्टार्ट किया था तब, मैं ही स्टार्ट किया था चैनल को। आज अगर आप मेरे सब्सक्राइब टोटल देखोगे तो 9,37,145 सब्सक्राइबर मैं हैंडल करता हूँ चैनल पे। मैं सोचा था 21 में 1 मिलियन कर दोगे, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, फिर भी कोई बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक पर बात करते हैं। 498 हर जगह धंधा बन चुका है, ये बिल्कुल एक ट्रूली, मैं भी फ्रेंकली और भी प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ये बात, कि हर जगह आप सोशल मीडिया पे भी चले जाए, पूरी तरह से हर जगह, चाहे वो कहीं भी चले जाओ, आप बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे आ जाइए, सोशल मीडिया पे भी आपको यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं होती, मेरे खुद की बता रहा हूँ, मैं अपॉइंटमेंट लेता था मैं भी, और मैं 498 बंद भी क्यों कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा उसका एंड में। तो हर जगह इसका धंधा बन गया, ये बात सही है, ट्रू भी है, एक्सेप्ट करिए, सत्य जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, कि लोग ये वीडियो तो देखते हैं। मैं कोशिश क्या करता हूँ कि कम से कम अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि मैं टाइमिंग सेट करके रखता हूँ हमेशा 5 बजे के बाद से 8 बजे के बीच में, क्योंकि इतना टाइम मिल पाता है तो इतना ही मैं दे पाऊँगा। तो उस टाइम के लिए मैं कभी पेमेंट भी बढ़ा देता हूँ, कभी कम भी कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि यार मेरे शेड्यूल टाइमिंग का होता है, इस वजह से मैं करता हूँ। मैं उस चीज़ को लेके कभी नहीं, हो सकता है, देखो मेरे अभी आपने 1 या 2 महीने से नोट किया होगा, मैं चैनल पे भी फ्रेंकली टाइप का, मोटिवेशनल टाइप की वीडियो ला रहा हूँ, लो से बिल्कुल हटके लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये चीज़ है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मेरे जो वीडियो आप 1 साल 2 साल पहले की वीडियो बने हुए हैं, वो चैनल आप कहीं चैनल पर जाके देख लेना, वो कॉपी का आपको कवर अब मिल रहे हैं जाके, जिनको मैं 1 या 2 साल पहले पूरे कर चुका हूँ। लोगों को दिक्कत कहाँ से आती है? कई बार कह भी देते हैं कि यार तुम तो पैसों के लिए काम करते हो, ये करते हो, वाकई सत्य बात है, ये भी है, एक्सेप्ट ही करते हैं। जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं, कोई परेशान होता है, पैसा नहीं होता उससे, हमारे पास भी टाइम नहीं होता, अब उसको कैसे समझाए उस प्रॉब्लम को, कि भाई हमारे पास भी टाइम है, टाइम पहले से लिख रखे हैं भाई, 5 बजे से 8 बजे के बीच में करते हैं, अब इतना ही टाइम है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी गुस्से में लोग बोल जाते हैं कि यार तुम तो एक तरह से धंधा बना रखे हो। बात भी सही है, बात भी सही है। तो भाई इस वजह से मैं इस चीज़ की, हर किसी के लिए बदनामी होती है ये पेमेंट के लिए, जैसे अब मेरे पास सोचिए आप 9 लाख सब्सक्राइबर मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक मोटिवेशनल टाइम या किसी टेक से भी चलाता है तो यूट्यूब से मेरी अर्निंग लाखों करोड़ों में चली जाती है तक। लेकिन बी फ्रेंकली मैं इसी वजह धीरे धीरे कन्वर्ट करता जा रहा था टॉपिक को, कि बिल्कुल इसमें कोई नहीं बिना वजह से। अब आप व्यू देखिए चैनल पर, लो पर कितना चैनल का व्यूज आता है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, इससे ज़्यादा नहीं आते किसी भी चैनल के। बड़ा चैनल देख लीजिए आप, कानून की रोशनी सलीम का है, सबसे बड़ा चैनल है, तो उसके भी 2 लाख से 2 मिलियन से ऊपर है सब्सक्राइब, फिर भी उसके 5,000, 10,000। देखो लो के चैनल पर इतने व्यूज आते हैं, कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट पे कौन की होती है? अपॉइंटमेंट में टाइमिंग फिक्स रखता हूँ 5 बजे से 8 बजे के बाद, क्योंकि जब ऑफिस टाइम होता है तो मैं कभी नहीं करता, उसके बाद का टाइमिंग स्टार्ट करता हूँ 5 बजे बाद का, जो भी 3 घंटे के अंदर। तो जब मन करेगा तो रहेगा, नहीं करा तो अब मैं खुद पहले भी मारता पैरालाइज की वजह से, उसके बाद दिक्कत आई है। अब मैं इस महीने इनको कटाऊंगा, जो दिख रहा होगा आपके मेरे दोनों कानों के साथ में गोल हो रखी दोनों साइड में, अब इससे इनको हटाऊंगा, तो इस वजह 1 महीने तक तो ऐसे भी वीडियो नहीं आने वाली। तो इस वजह से मैं आपको फाइनली चीज़ें बता के जा रहा हूँ कि आपको हर जगह से बर्बादी लूटना पड़ रहा है, वहाँ पर हर जगह से आपको मतलब कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ा है आपको, कहीं ना कहीं आपको मतलब बर्बादी हो रही है इस चीज़ के लेके। तो यही चीज़ थी कि बिना वजह से और टोपी की वजह, लोगों की वजह से हर कोई चल रहा है, देखो सबका चल रहा, हम भी इंक्लूड है उसमें, सभी आ जाते हैं भाई, भाई हम थोड़ी बच रहे हैं उसमें, सभी आ रहे हैं उसमें। तो ठीक है, तो इससे धीरे धीरे मैं बिल्कुल हटता जा रहा था इस टॉपिक को, जैसे मोटिवेशनल मेरी स्टोरी टाइप के चैनल, जबकि स्टोरी टाइप के लिए मेरे काफ़ी अच्छे चलते हैं वीडियो, बहुत 2-2 मिलियन व्यूज है मेरे 1-2 महीने में, देखे आप मेरे पे टॉप सबसे व्यूज में जाके देखोगे तो उन टॉपिक में टेक से रिलेटेड मुझे अच्छी नॉलेज है, बैंक से रिलेटेड मुझे अच्छी नॉलेज है,
तो ये चीज़ों की अच्छी, और इनकी वीडियो भी व्यूज भी बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में क्यों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग इसी से किया था, फैमिली लॉ से ही, इस कारण से मैं सोचा था कि यही कैटेगरी अपनी चलेगी, लेकिन अब इसको एक तरह से सोशल मीडिया पर पूरा धंधा बढ़ गया, तो इस वजह से मैं चैनल को चेंज करता जा रहा हूँ, मतलब टॉपिक को ही चेंज कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो में कि आगे मैंने कि 90% भी बहुत कम चैनल पे फैमिली से रिलेटेड टॉपिक कवर होंगे, यही कारण है इस वजह से। देखो बार बार कोई मतलब है यार, अर्निंग कमाना है तो टैलेंट खूब है यार, दूसरे टॉपिक का भी बहुत टैलेंट है, अच्छे चलते वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक अच्छी नॉलेज देते थे और भी प्रैक्टिकल में वही चीज़ बताता था जो एक प्रैक्टिकल चीज़ होती थी, हर चीज़ को लाके एक 99% मैं चैनल पे ही कवर करता था, हर किसी प्रॉब्लम को 99% मैं चैनल पे कवर करने की कोशिश करता था हमेशा। तो अब धीरे धीरे इसको इसी वजह से मैं चेंज कर जा रहा कि बिना वजह से लोगों को एक अलग अफवाह होती है कि यार इतने लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों हो गए इनके पास, तो पता नहीं कितने कमा, भाई इतना नहीं कमाते यार। आप YouTube की अर्निंग देखोगे तो आपको अभी 2 साल में 2-2.5 लाख की अर्निंग होती होगी, और बात करने कितनी होगी, 1 लाख मान लीजिए ज़्यादा खींच, कितनी होती, इससे ज़्यादा नहीं होती होगी ना लाखों में, लेकिन लोगों की एक थिंकिंग हो जाती है, और बात भी सही है कि यार हर जगह, और परेशान इंसान आता है तो नहीं कर पाते उससे बात। नंबर देने का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब कोई परेशान आके है, जब हम भी कहीं बिजी रह रहे हैं और वो अचानक बेचारा ये कह रहा है कि साहब बात करिए, फिर आगे में वो 2 गाली देके भी जाता है, सुनना भी पड़ता है, भाई अब टाइम नहीं है तो क्या करें उससे, वो उसको बोल देते यार शाम को बात करना, तो भी नहीं समझेगा बंदा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है इसमें जाके, तो काफ़ी कुछ हरासमेंट रहता है इस चीज़ को लेकर भी, सोचते भी है। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह से एक तरह से पेमेंट का मामला ही चल के पूरी तरह से लॉस हो गया, इसमें पूरा कचरा भर गया, कोई मतलब है नहीं फैमिली चैनल में। तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल ही टॉपिक को ही 2022 में ख़त्म करूँगा। मैं एक लो से रिलेटेड बात भी रहेगी, तो उसमें पूरा एक ट्रैफिक से रिलेटेड हो गया, ऑनलाइनिंग चालान भरने की, सो मुझे बहुत नॉलेज है हर टॉपिक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, उनसे रिलेटेड अपन टॉपिक कवर करेंगे अच्छे, जिससे लोगों को सीखने को मिले, अर्निंग कमाना सीखे लोग, खुद कमाना सीखे। तो इस एक ही चैनल को, एक ही टॉपिक को लेकर चलेंगे मतलब है नहीं कोई भी, इसमें एक ही टॉपिक को कवर करोगे तो कोई फ़ायदा है ना, क्योंकि आपका वीडियो 10 जगह कॉपी हो जाता है अचानक, क्या करोगे आप जाके, मतलब है नहीं। और एक यानी यहाँ पे लोग की सबसे बुरी एक आ जाता है कि एक दूसरे को गिराने में लगे हुए लोग, सबसे बड़ी बात यह होती है, तो मतलब है ना इस वजह से। तो बी फ्रेंकली यही कहूँगा मैं कि बच के रहिए भाई हर किसी के साथ भी, कोशिश करिए हर टॉपिक मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, हर टॉपिक कवर करके, और इमरजेंसी हो आपको और लॉन्ग टाइम से किसी भी सब्सक्राइबर हो किसी को, आपने उनसे किया है और आपको परफेक्ट समझ में आ रहा, वहीं से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हर जगह से मत लीजिए, मेरे खुद से भी मत लीजिए आप कभी भी, मैं क्लियर कहता हूँ हमेशा, किसी को मत कीजिए, आपकी पैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है, आप ऐसे ही बर्बाद मत करिए इस चीज़ों को। तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी आपको सोचना पड़ेगा, और आगे चल के आपको ये तो समझ में आ गया होगा 1 या 2 साल में कि इन केसों में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, बर्बादी की सेवा कहीं भी नहीं, आप हर जगह आप बर्बाद होते जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से अब आपको जो डर होता था वो तो हर जगह से ख़त्म हो ही गया होगा, तो फिर अपने पैसों को बर्बाद करने में कोई फ़ायदा है नहीं भैया, चल रहा है चलने दीजिए, यही सबसे अच्छी बात है। मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं, आप सर्च भी करो कहीं कहीं तो वो टॉपिक कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो आपको बिना वजह से पेमेंट देने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी, किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं आपको, आप टॉपिक सर्च कीजिए मिलेगा आपका, ज़रूर मिलेगा सर्च करके, और इमरजेंसी है आपको किसी को जबरदस्ती है तब जाके आप किसी से बात कीजिए आपका अच्छा, जिससे आपको लगता है कि हाँ इस चैनल, ये मेरा चैनल है, इसी से मैं शुरू से देखता आया हूँ, इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इसी को देखूंगा, तो उसको देखिए आप जाके, उससे करिए, आप जगह जगह मत जाइए, जगह जगह पैसा बर्बाद मत करिए, आपका पैसा है, ऐसे ही कोरोना से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गरीबी आ चुकी है लोगों में, तो अपने आप को बर्बाद मत करिए, कुल मिला के यही है समझ, सब कुछ आ भी गया होगा आपको कि बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको 99% कवर कर ख़त्म ही करूँगा, फैमिली टॉपिक कोई मतलब है नहीं, इस वजह लाऊंगा वीडियो आएगा, 1-2 वीडियो आएगा आपका, जो आपके टॉपिक ख़त्म जो रह गए होंगे कोई भी, जो आप कॉमेंट में छोड़ दोगे, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें अगर आप छोड़ दोगे कि साहब ये टॉपिक आपके चैनल पर कवर नहीं हुए, तो उनको मैं कवर करके छोड़ दूंगा, बाकी नहीं तो 22 में मैं फैमिली से रिलेटेड वीडियो बहुत ही कम लाऊंगा, अदर्स टॉपिक का लाऊंगा, जिसमें काफ़ी अच्छे से आप सीखने को मिलेगा आपको, जो आप खुद भी कर सकते हो वो चीज़ें, घर बैठने के साथ ऑनलाइनिंग, आप चालान भरना, पुलिस ट्रैफिक से रिलेटेड क्या होता है, कहीं प्रॉपर्टी से होते कब्जे की प्रॉपर्टी की बात होती, कहीं जगह होती है, इससे सिविल का काफ़ी मैटर होते हैं उसमें, तो उन चीज़ों से आपको सीखना मिलेगा, आपको आए दिन पड़ोस अड़ोस में आपको प्रॉब्लम होती रहती है, ज़मीनों से रहती है, रास्ते जाम करने पर होती रहती है, भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उस चीज़ को हम शेयर करेंगे आगे चल के भी करेंगे। तो भी फ्रेंकली आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़ को कि भाई अपनी बर्बादी मत करो, ये पूरी तरह हर
खर्चे का धंधा बन चुका है। इस वजह से थोड़ा सेफ रहिए, बच के रहिए, कोई मतलब है ना अपनी बर्बादी को करने से, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, काफ़ी मेहनत से कमाया जाता है। इस वजह से आपका जो भी पैसा है उसको सोच समझ के यूज करिए उसको, और सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। आगे चलकर आपको नए साल की अगेन मुबारक हो सभी को, सभी के घर बसे सब अच्छे से रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।